हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज़ अत्य सिंह फ्रॉम स्पेशल फॉर यंगर। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आपकी ज़िंदगी चेंज कर सकता है। ये आपको कभी बीमार नहीं होने देगा, ये आपको हमेशा एक्टिव, फ्रेश एंड बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाएगा। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके साथ साथ आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, वो लोग भी अगर इस वीडियो को देखते हैं ना, तो उन्हें भी बेनिफिट होगा, क्योंकि वीडियो शेयर करने से आप उन्हें अच्छे से समझा पाओगे, बशर्ते आप उन्हें मुँह से बताओ। तो शेयर दिस वीडियो एंड लास्ट तक मेरी वीडियो देखिएगा, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू डिटॉक्स आवर बॉडी। सो अपनी बॉडी को डिटॉक्स कैसे करें, डिटॉक्स मतलब क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं कि डिटॉक्स होता क्या है। मैं आपको बता दूं, हमारा जो बॉडी है इसमें कई प्रकार के अंग हैं और सबका अपना अपना काम है। लाइक अगर हम एलिमेंट्री कैनाल एक ऑप्शन में ले लें, जो कि मेन यही है, इसी को हम डिटॉक्स करेंगे, इसी के थ्रू हम पूरी बॉडी को डिटॉक्स करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया, जैसे कि हम खाना खाते हैं, एलिमेंट्री कैनाल का काम होता है हमारे दिए गए खाने को ले जाना, पचाना, उससे जो भी न्यूट्रिशंस हैं उसको एब्जॉर्ब करना एंड देन बाहर निकाल देना, ठीक है। सो उसी प्रक्रिया में, जैसे कि अगर हम खाना कोई खा लिए, फिर वो धीरे धीरे गया स्टमक में डाइजेस्ट हुआ, वहाँ से गया इंटेस्टाइन में जो भी उसमें न्यूट्रिशंस थे वो एब्जॉर्ब हुआ एंड देन वो क्या है, रेक्टम के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है, ये जब लंबे समय तक, लाइक 10 साल, 20 साल, 30 साल जब ऐसे चलता रहता है, तो धीरे 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 करके हमारा बॉडी गंदा होने लगता है। लाइक एलिमेंट्री कैनाल में जो हमारा इंटेस्टाइन होता है उस पर क्या है कि सब कुछ, उसके दीवारों पे गंदगी जम जाती है, स्टमक की दीवारों पे गंदगी जम जाती है, ठीक है। तो जो कि धीरे धीरे ब्लड में मिल जाती है। अब जब ब्लड हमारा गंदा हो गया तो सारे ब्लड पूरे बॉडी में जाता रहता है, तो अब न्यूट्रिशंस वो पहुँचाने का काम करता था हर एक सेल तक। अब क्या है, अगर ब्लड में गंदगी मिल गई हमारी, तो गंदगी पहुंचाएगा, जिससे हमारी सारी डिजीज़ जो है उसी से होती है, ठीक है। तो अगर एक सिंपल वे में कहा जाए कि आप अपने बॉडी को अगर प्रॉपर डिटॉक्स करके रखते हैं, तो आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी, ठीक है। यही बात हम आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहेंगे, जो आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। अगर हम एक ट्यूब, जो पाइप नहीं होता, ट्यूब वाला पाइप होता है, वो मार्केट से परचेज करके लाते हैं, उसको वाटर टैंक से कनेक्ट कर देते हैं और उससे रेगुलरली पानी गंदगी धीरे धीरे पास आउट हो रहा है। स्टार्टिंग में तो ट्यूब में भी जो गंदगी लगा होगा वो भी निकल जाएगा, है ना। बट जब लॉन्ग टर्म में आप उसको लगा के छोड़ देते हो, फिर 10 साल बाद, 15 साल बाद आप उस ट्यूब को चेक करने अगर जाओगे, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कि ट्यूब के अंदर इतनी सारी गंदगी जम गई है कि पानी खुद पास आउट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो अब इसी चीज़ को अगर आप एलिमेंट्री कैनाल से देखते हैं, तो हम सिर्फ पानी तो पीते नहीं हैं, अगर सिर्फ पानी पीते तो भी बॉडी गंदी होती है, बट हम सिर्फ पानी तो पीते नहीं हैं, हम पानी के साथ साथ न जाने कितनी चीज़ें खाते पीते रहते हैं। इवन हेल्दी चीज़ तो दूर की बात है, ग्रेन्स हो गए, आपके शुगर, साल्ट, सॉफ्ट ड्रिंक, ये सब चीज़ें हम अपने अंदर डालते रहते हैं। तो स्टमक से जब वो इंटेस्टाइन में जाएगा, तो वहाँ तो एब्जॉर्प्शन का काम होता है। अब आप अगर सॉफ्ट ड्रिंक पिए हो या जंक फूड बर्गर खाए हो, तो आपके इंटेस्टाइन क्या शक करेगी। तो इंटेस्टाइन में एक उंगली टाइप का एक परत होता है, संरचना होता है, जिसे गिलॉय कहते हैं। यही गिलॉय जो है शक करने का काम करता है, एब्जॉर्ब करता है फूड से न्यूट्रिशंस को, एब्जॉर्ब करता है और फिर ब्लड में
डाल देता है और फिर वो ब्लड जो है पूरे बॉडी में घूमता है, हर एक सेल को न्यूट्रिशंस देता है, ये प्रक्रिया होती है। लेकिन सपोज दैट आप बर्गर खा रहे हो, सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हो, शुगर, एल्कोहल, सिगरेट, तो आपकी बॉडी क्या एब्जॉर्ब करेगी, आपका इंटेस्टाइन क्या एब्जॉर्ब करेगा? वही सब एब्जॉर्ब करेगा, शुगर हो गया, ऑयल हो गया, बैड थिंग्स, केमिकल्स, ये सब चीज़ें एब्जॉर्ब करेगी और ये सब चीज़ें जाएंगी आपके ब्लड में। और आपके ब्लड में जब ये सब चीज़ें जाएंगी तो आपके पूरे सेल में, पूरे एक एक सेल में क्या जाएगा, गंदगी जाएगा, केमिकल जाएगा, शुगर जाएगा, साल्ट जाएगा, है ना, तो कुछ तो टॉक्सिन्स चीज़ें जाएंगी, तो इसी से हमें सारे रोग होते हैं। जब आपका ब्लड प्योर नहीं रहेगा तो आपकी बॉडी कैसे हेल्दी रहेगी? ये सारी चीज़ें जब हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाते हैं तो डिफरेंट टाइप के हमको डिजीज भी होते हैं, लाइक हाई ब्लड प्रेशर, शुगर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ब्रेन हैमरेज हो गया, PCOD हो गया, स्टोन हो गया, ये सब चीज़ें अलग अलग जगह पे, क्योंकि ये आपका गंदा जो ब्लड है, आपके डाइट की वजह से जो गंदा ब्लड है वो हर जगह जाता है और हर जगह अलग अलग टाइप के डिजीज पैदा करता है, हेयर फॉल, एक्ने, ये सब इसी के रीज़न है। अब बॉडी के इस टॉक्सिन्स को कैसे दूर किया जाए, इसके लिए आयुर्वेदा में कुछ बहुत ही अच्छे मेथड्स हैं जिसे हम फॉलो करके अपने बॉडी को एकदम जैसे माँ प्रकृति ने हमें दिया था हम एकदम वैसा ही बना सकते हैं। तो इसी प्रक्रिया को बॉडी डिटॉक्सिफाइंग कहते हैं, जिससे कि हम सारे रोगों से बच सकते हैं, हमें कोई रोग हो ही नहीं सकता अगर हम ये सारे मेथड फॉलो करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को 15 साल से ऊपर के लोग ही फॉलो करें। अगर आप 15 साल से छोटे हैं और आप इस आपको बहुत ज़्यादा फैट है, एक्ने, पिंपल, हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, बहुत मोटे हैं आप, तो उसको आप कम करना चाहते हैं और इस वीडियो को फॉलो करना चाहते हैं, सो आप अपने फिजिशियन को या किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर को ये वीडियो दिखाएं या फिर उनसे बात करें डिटॉक्सिफाइंग के बारे में, वो आपको अच्छे तरीके से बता पाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। बाकी जो 15 साल से ऊपर के लोग हैं वो इस वीडियो को ईजिली फॉलो कर सकते हैं, इसमें कुछ भी रॉन्ग नहीं है। सो आयुर्वेदा में बॉडी को डिटॉक्स करने के 4 आइडियाज़ बताए गए हैं। सो पहला है फास्टिंग, फिर एनिमा, फिर आपका वेट पैक एंड देन आपका डाइट। ये चारों आप एक साथ कर सकते हो। लाइक आप 30 दिन का या 21 दिन का एक अगर ड्यूरेशन रखते हो तो ये चारों मेथड आप एक साथ हो गाइस कर सकते। अगर हम बात करें फास्टिंग के बारे में, जो कि डिटॉक्स का सबसे पहला मेथड है, तो फास्टिंग के लिए, फास्टिंग हमारे संस्कृत में बहुत पहले से ही रहा है। अब लोग मॉडर्न हो रहे हैं तो फास्टिंग रखना बंद कर दे रहे हैं, बट फास्टिंग से आपके बॉडी में हीलिंग पावर बढ़ती है। हमारे बॉडी में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी है, जो परमात्मा से आत्मा को जो एनर्जी मिलती है वो एनर्जी है। हमारी बॉडी कैपेबल होती है अपने आप को ठीक करने की। अगर हमें कोई कुछ भी डिजीज़ हुआ है और अगर अपने बॉडी के साथ हम छेड़खानी ना करें तो हमारी बॉडी उसको ठीक कर सकती है, चाहे कोई भी डिजीज़ हो वो। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हीलिंग पावर होता है, हमारी जो प्राण शक्ति है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है। सो उसी का यूज़ हम करेंगे अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने में। बट जो हीलिंग पावर है या जो हमारे बॉडी के अंदर जो पावर है वो एक टाइम पे एक ही जगह कन्वर्ट हो सकती है। अगर हम दिन भर खाते रहें या फिर दिन भर हम कुछ ना कुछ खा रहे हैं तो अपनी बॉडी को हम डाइजेशन में लगा रहे हैं, तो हमारी जो एनर्जी है सारी एनर्जी डाइजेशन में लग जाएगी और हमें हीलिंग का टाइम मिलेगा नहीं। बाकी के जो 8 घंटे हैं वो हम खाने के लिए रखेंगे और 16 घंटे हम फास्टिंग के लिए रखेंगे। 16 घंटे से अगर आप नहीं कर सकते हो, आप 15 घंटे, 14 घंटे, 12 घंटे तो आप कर ही सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम टाइम 8 घंटा, 7 घंटा तो हम सोते रहते हैं, उसके बाद हमें 3-4 घंटे करने होते हैं। तो अगर आप 12 घंटा भी कर सकते हो तो आप 12 घंटा करो, बेस्ट है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारे बॉडी को टाइम मिल जाएगा वो डाइजेशन को अच्छे से कंप्लीट करके फिर हीलिंग में अपना एनर्जी कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इससे ये होगा कि बॉडी में जो गंदगी जमी है, बॉडी में जो सब हमको पिंपल, दाग, धब्बे ये सब हुए हैं,
इन सब पे बॉडी वर्क करने लगेगा, ठीक है। तो 16 आवर्स फास्टिंग या 12 आवर्स फास्टिंग आप रख सकते हो, और ये चीज़ आपको एक लिमिट तक करनी है। आयुर्वेदा में तो ये 3 मंथ तक बताया गया है, बट आप अगर 1 मंथ में अच्छे से करते हो तो भी एक बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट, आप विजिबली रिजल्ट देख सकते हो देन एंड नाउ। फर्स्ट आप फास्टिंग करोगे, सेकेंड आपका है एनिमा। एनिमा बेसिकली इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि जो पहले की गंदगी है, लाइक अगर कोई डिब्बा है वो गंदा है और हमें उसमें कुछ डालना है तो क्या करेंगे, पहले हम डिब्बे को साफ करेंगे, क्लीन करेंगे, देन हम उसमें कुछ डालेंगे, है ना। तो वही चीज़ अगर हमारा बॉडी गंदा है तो उसमें हम अगर खाते रहेंगे अच्छी चीज़ें खाते रहेंगे, बेसिकली सैलड वगैरह अगर हम जूस वगैरह ले रहे हैं तो भी वो भी उतने अच्छे से वर्क नहीं करेगा। इसलिए हमको अपनी बॉडी को पहले अपने बॉडी से गंदगी निकालनी है, फिर अपने बॉडी में अच्छी चीज़ डालनी है जो प्रॉपर वर्क करेगा। तो इसके लिए आपको लेना पड़ेगा एनिमा। एनिमा बेसिकली वाटर एनिमा आप लीजिए, बहुत लोग ऑयल एनिमा या फिर बहुत तरह के दवाएं डाल के एनिमा लेते हैं, तो मैं ये रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगी। आप सिर्फ पानी ले सकते हैं, अपनी देखिए बॉडी जो है ना वो नेचर ने हमें दिया है, तो नेचुरल चीज़ों से ही वो क्लीन की जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो पानी आप नॉर्मल लेंगे और एनिमा आप यूज़ कर सकते हैं। एनिमा बेसिकली एक डिब्बा होता है लाइक इस तरह, और उसमें आपको 1/4, 1/3 पानी भरना होता है और वो अपने इंटेस्टाइन में रेक्टम के थ्रू लेना होता है। 10 से 15 मिनट आपको होल्ड करके रखना होता है जितना आप कर सकते हो, और बीच में वॉक करना होता है। फिर आपको जब प्रेशर बनेगा आप जाके अपना फ्रेश हो लीजिए, फिर आप विजिबली अपने इंटेस्टाइन की गंदगी को आप देख पाओगे, ठीक है। तो एनिमा हो गया आपका सेकेंड। थर्ड जो टाइप है डिटॉक्सिंग का वो है वेट पैक। जनरली क्या होता है कि अब देखो सारे जो गंदगी हैं वो हमारे ब्लड तक पहुंच गए हैं, हर एक सेल में पहुंच गया है, तो उससे हम कैसे निकालें। उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड होता है वेट पैक। आप 3 कपड़ा लो, ठीक है, एक कपड़ा ज़्यादा बड़ा लो, एक लो अपने गर्दन के साइज़ का और एक लो यहाँ फॉरहेड के लिए, ठंडे पानी में डाल के उसको निचोड़ लो, वो आइसिंग वाटर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अपने कमर पे, गले पे और यहाँ फॉरहेड पे आप उसको लगा लो, लगा के 15 मिनट वेट करो, 15 से 20 मिनट, क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारे यहाँ ठंडा रहेगा, यहाँ ठंडा रहेगा, यहाँ ठंडा रहेगा, और हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। जब ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा तो गंदगी ऑटोमेटिक बॉडी से निकलने लगेगी, ठीक है। तो इसको जैसे यहाँ ठंडा हो गया, यहाँ गर्म हो गया, यहाँ ठंडा हो गया, यहाँ गर्म हो गया, तो इस प्रकार से बॉडी सर्कुलेशन बढ़ेगा और आपके जो ब्लड में गंदगी जम गई है वो आपकी दूर हो जाएगी। तो इसको भी बेसिकली आपको 3 मंथ के लिए बोला गया है, लेकिन आप 1 मंथ भी अगर अच्छे से करते हो तो विल बी सरप्राइज। अब जब हमारे बॉडी से गंदगी चली गई तो हमें अब अच्छा खाना भी होगा। ऐसा तो है नहीं कि हम अपने बॉडी को क्लीन करके दोबारा से गंदगी डाल देंगे, ये तो है नहीं। तो उसके लिए हमें एकदम नेचुरल चीज़ें ही खानी है, ठीक है, हेल्दी चीज़ें, होलसम फूड ही लेना है। तो उसके लिए क्या है, हमारा एक बिटर डाइट होना चाहिए, ठीक है। डाइट हमारा अच्छा होना चाहिए, इतने सारे प्रक्रिया के बाद अगर हम डाइट अच्छा नहीं लिए, वाटर अच्छा नहीं लिए, सब वेस्ट हो जाना है। तो इसके बाद हम डाइट अच्छा लेंगे, ठीक है। सो डाइट अगर आपको एक बेसिकली एक रैंडम अगर हम डाइट आपको बता दें तो मॉर्निंग में आप नारियल जूस या फिर कोई भी वेजिटेबल जूस लीजिए एज अ डिटॉक्स ड्रिंक। उसके बाद आप लीजिए स्मूदी वगैरह, स्मूदी हो गया, शेक हो गया, ये सब आप ले सकते हैं, या फ्रूट्स हो गए आप एज अ ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। थर्ड आपका जो लंच जो रहेगा वो रहेगा, उसमें आप सैलेड इंक्लूड करिए, योगर्ट इंक्लूड करिए, इसके अलावा आप सब्जी और रोटी जो आपके घर में बना है आप वहीं लीजिए, ज़्यादा छेड़खानी मत करिए। एज अ स्नैक आप ग्रीन टी या फिर आप फ्रूट सैलेड ले सकते हैं, या फिर आप कुछ अच्छा सा नट्स ले सकते हैं, कोई भी नट्स ले सकते हैं आप। इसके अलावा डिनर में आप वहीं आपका सब्जी और रोटी,
या इसके अलावा अगर आप नहीं खाना चाहते हैं तो आप सैलेड खाइए, स्मूदी खाइए, सूप ले लीजिए, हेल्दी सूप, ठीक है। ये पूरे एक मंथ तक आप फॉलो करिए। इस बीच में कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक आपको नहीं लेना है, कोई भी जंक फूड, बाहर का फूड, स्पाइसी फूड आपको अवॉइड करना है, मैदा, ये सब अवॉइड करना है। आपका जो स्किन है, आपका जो हेयर है, इतना बढ़िया, मतलब स्किन इतनी चमकेगी, हेयर शाइन करेगा, हेयर फॉल रुक जाएगा, सब प्रॉब्लम आपके रुक जाएंगे। और आपका जितना भी अगर कोई डिजीज़ है, सब आपका ख़त्म हो जाएगा। सो गाइज, डिटॉक्स के जो तरीके हमने आपको बताए हैं, ये सारे तरीके एक मंथ के लिए, नॉट थ्री मंथ, एक मंथ के लिए हम ये अपने ऊपर मैं अप्लाई करूँगी और इसका प्रॉपर वीडियो आपके साथ मैं शेयर करूँगी, लाइक फास्टिंग का और एनिमा हो गया, वेट पैक हो गया, अच्छी डाइट होगी, तो सो उसमें आप इन सब चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो वो वाले वीडियो तो प्लीज़ कमेंट कर देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, सो दैट मैं जब वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको अच्छे से फॉलो कर पाओ। और उस वीडियो में आप बहुत अच्छे तरीके से, इजीली तरीके से पूरा मेथड समझ पाओगे, उसके बाद आप अप्लाई करिएगा। इतना वीडियो देख के आप अभी कुछ मत करिएगा, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, वो वीडियो जब आएगा देन आप करिएगा, ठीक है। तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।